इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने वाली कंपनी फरार, करोड़ों की ठगी करके फरार हुई कंपनी। 20 नवंबर को होने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट, गाना स्टेडियम में होने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट, गाना स्टेडियम में होने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट, बुक माई शो पर टिकट मिलना हुआ बंद, कंपनी का सभी डाटा ऑनलाइन दिखना हुआ बंद। बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट करने वाली कंपनी फरार हो गई है, करोड़ों की ठगी करके फरार हुई। 20 नवंबर को होने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट इकाना स्टेडियम में जो है ये म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला था, बुक माई शो पर टिकट मिलना बंद हो गया है और कंपनी का सभी डाटा भी ऑनलाइन दिखना बंद हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने वाली कंपनी फरार हो गई है, करोड़ों की ठगी करके फरार हुई कंपनी। कंपनी के लोगों का भी कोई पता नहीं चल रहा है। 20 नवंबर को होने वाला था म्यूजिक कॉन्सर्ट, इकाना स्टेडियम में होने वाला था म्यूजिक कॉन्सर्ट, बुक माई शो पर टिकट मिलना हुआ बंद। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने वाली कंपनी फरार हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट लखनऊ से शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, लखनऊ में म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने वाली कंपनी फरार हो गई है और बताया जा रहा है कि करोड़ों की ठगी करके ये कंपनी फरार हुई है, तो कौन सी थी ये कंपनी, कौन थे ये लोग और कितना अमाउंट लेकर ये फरार हुए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार एक यहाँ पे इकाना स्टेडियम में चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट होने की बात कही गई थी, जिसको लेकर के काफी दिनों से बैनर पोस्टर होल्डिंग लगाए गए थे शहर में। सभी जो लोग थे वो बुक माई शो के माध्यम से टिकट कराए थे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जो यानी फाइनेंशियल थे, जो लोग थे, जो यहाँ पे ऑफिसर, यहाँ पे काशियाना में लखनऊ में एक ऑफिस बनाया गया था, वहाँ पे ये चीज दिया गया था कि भी लोग इसमें स्पॉन्सर करना चाहते वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। लगभग कई कई बड़ी कंपनियों ने इसमें स्पॉन्सरशिप ले ली, जो कि बड़े नाम शो में शामिल थे। साफ तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइगर श्रॉफ, अभिनेत्री सनी लियोनी, म्यूजिक डायरेक्टर इमेज, तमाम लोग बड़े नामों को दिखा करके कंपनी लगातार लगाए जा रहे थे। प्रोग्राम होगा, कंसर्ट होगा, तो बहुत यानी हाई प्रोफाइल जी है। लेकिन कंपनी ने जिस तरह से अपनी यानी अपना पल्ला झाड़ा है, साफ तौर पे सारे उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे बंद आ रहे हैं। करोड़ों की ठगी का मामला इस तरह से निकल के सामने आ रहा। फिलहाल अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जो जो फाइनेंसर है इस तरह का, इस तरह का मामला एक बार और हो चुका है यहाँ पे, राखी सावंत को NBW जारी हुआ था, ठीक उसी तरह का ये मामला सामने आया है। बुक माई शो पर टिकट मिलना बंद होने के बाद में जो इन्वेस्टर थे, जो लोग वहाँ पे स्पॉन्सर थे, उन्होंने इस तरह की ठगी का भी ऐसा जिला फिलहाल प्रोग्राम कल होने वाला है। अभी दोपहर बाद तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्या कारण है कि बुक माई शो पर टिकट मिलना बंद हो गया और क्या वास्तविकता में ठगी है या नहीं। जी बिल्कुल शशांक, हम भी इस पोस्टर में देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें दिख रहे हैं और काफी बड़े जानी मानी हस्तियों की तस्वीरें हम देख सकते हैं, और अब देखना खास ही होगा कि क्या कार्रवाई होती है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर हमने आपको लखनऊ से बताई, जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने वाली कंपनी फरार हो गई है, करोड़ों की ठगी करके फरार हुई है, लिहाजा अभी बातें सामने आना बाकी है।